हे एवरीवन, वेलकम। मैं हूं निलीशा और आज हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन का वर्ड। सो अगर चैनल पर नए हो या पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो, उसके पास में बेल आइकन है उससे भी दबा देना, और ये कंपलसरी है, करना ही है, ओके। और अगर चैनल पर पुराने हो तो बोलने बताने समझाने की तो जरूरत ही नहीं है, वीडियो देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कॉमेंट करना है। अच्छा, विश्वास तो है मुझे आप लोग के ऊपर कि आप ये इतना छोटा सा काम कर दोगे मेरा। चलिए स्टार्ट करते। सो ये है मेरा फैब्रिक, इसी के साथ में हम लोग बनाने वाले हैं क्वेश्चन कवर्स। सबसे पहले हम लोग उठाएंगे हमारा कुशन और उसे इस तरह से मेज़र कर लेंगे, विड्थ और लेंथ दोनों। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेरे कुशन की विड्थ है 16 और मेरे कुशन की लेंथ है 17। सो ये हो गया मेरे पास में 16x17। अब मैं अपने फैब्रिक को कुछ इस तरह से बिछा लूँगी और फर्स्ट ऑफ ऑल मेज़र करूँगी इसकी लेंथ। इसकी लेंथ है 17, तो मैं यहाँ से 17 इंच पर मार्क कर दूँगी। अब आते हैं विड्थ पे, इसकी विड्थ है 16, सो यहाँ से मैं इसकी विड्थ मेज़र कर लूँगी। विड्थ और लेंथ मेज़र करने के बाद में इन दोनों लाइंस को हम लोग मिला देंगे लाइक दिस। इसे स्केल से लाइन करने के बाद में हम इसे कट कर देंगे। रिमेंबर, हमने हमारा फैब्रिक सिंगल लेयर में ही बिछाया है, इसे अभी डबल फोल्ड करके मार्क या कट नहीं किया है, सिंगल लेयर में ही हम इसे कट कर रहे हैं। अब हम हमारे कट किए हुए फैब्रिक को दूसरे वाले फैब्रिक की लेयर पर कुछ इस तरह से बिछा देंगे। दोनों लेयर्स को बराबर बिछाने के बाद में फैब्रिक के इस कॉर्नर से 2 इंच पर मार्क करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक। दूसरी वाली लेयर को हमें विड्थ में 2 इंच बढ़ा के कट करना है, दैट्स इट। इसे स्केल से लाइन करने के बाद में हम इसे कट कर देंगे। इसे कट करने के बाद हमारे पास आ गई है फैब्रिक की 2 लेयर। अब ऊपर वाली लेयर हम लोग अभी साइड कर देंगे और नीचे वाली लेयर पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। नीचे वाली लेयर को कुछ इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे। डबल फोल्ड करने के बाद में हम इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद हमारे पास इसकी 2 लेयर आ जाएगी सिमिलर। 2 लेयर हम लोग अभी कट कर चुके हैं, एक हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमारे पास टोटल फैब्रिक की 3 लेयर रेडी हो चुकी है। अब हम इन लेयर्स को राइट राइट साइड में फेसिंग करके कुछ इस तरह से बिछाएंगे। अब फैब्रिक के छोटी छोटी लेयर के 2 कॉर्नर इस तरह से हैम कर देंगे अंदर की साइड में। दोनों फैब्रिक्स को सेम साइड से हैम करना है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से फर्स्ट वाली लेयर बिछाई है, उसके बाद फैब्रिक के 2 पीसेस जो हमने कट किए थे वो बिछाए हैं और किस तरह से हैम किया हुआ है, आपको भी सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। अब हम 2 छोटी वाली लेयर में से 1 लेयर साइड कर देंगे और दूसरी वाली लेयर पर वर्क करना स्टार्ट करेंगे। आपको बीडर पिन के थ्रू बता रही हूँ कि आपको किस किस जगह स्टिच करना है। आपको 3 जगह स्टिच करना रहेगा लाइक दिस। 1 लेयर बीडेड पिन से सिक्योर करने के बाद में दूसरी वाली लेयर भी दूसरे साइड में इस तरह से बिछा देंगे और इसे भी बीडेड पिन से सिक्योर कर लेंगे। यू कैन सी ये ओवरलैप हो रहा है हमारे पास में, जो हमारा हैम वाला साइड है। आप देख सकते हैं हमने इसके 4 कॉर्नर स्टिच कर दिए हैं। 4 कॉर्नर स्टिच करने के बाद में अब जो इसके कॉर्नर है वहाँ पर इसे साइड कट लगा देंगे हम लोग। सिलाई के ऊपर नहीं लगाना है, सिलाई के बाद वाले हिस्से में साइड कट लगाना है हमें कुछ इस तरह से। साइड्स कट करने के बाद में हम इसे सीधी साइड में ओपन कर लेंगे। जो इसके कॉर्नर है वो स्केल के थ्रू हम लोग प्रेस करके पूरे ओपन कर लेंगे सीधी साइड में। और हमारा बेसिक कुशन कवर रेडी हो चुका है। हमारे बेसिक कुशन को हमें इस तरह से इसमें ट्रांसफ़र करना है। ओपन वाला हिस्सा पीछे की साइड में रहेगा ताकि निकालने में और कवर अप करने में ईजी रहे। अगर आप इसे पीछे की साइड से ओपन नहीं रखना चाहते तो आप इसमें बटन भी अटैच कर सकते हैं, इवन चेन भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो ये हो गया हमारा बेसिक कुशन कवर रेडी, बट इतने में नहीं मानने वाले हम लोग इसमें और कुछ कलाकारी करने वाले हैं। सो ये मेरे पास में सोफ़ा कवर में से लेफ्ट ओवर फैब्रिक है। सो देखते हैं इसके साथ क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मेज़र ले लेंगे हमारे पिलो कवर का, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, लाइक इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, ये नियर अबाउट 30 आ रहा है हमारे पास में। अब इस लेफ्ट ओवर फैब्रिक को हम कुछ इस तरह से बिछा देंगे। अब इसकी लेंथ मेज़र करेंगे, जो भी हमारे पिलो कवर का मेज़रमेंट आया है 30, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे सीम अलाउंस और फोल्डिंग के लिए, और यहाँ से 31 इंच पे इसकी लेंथ मार्क कर लेंगे लाइक दिस। लेंथ मार्क करने के बाद में हम इसकी विड्थ मार्क करेंगे। मैं इसकी विड्थ रख रही हूँ 7 इंच, बिकॉज मुझे इसका 6 इंच रेडी विड्थ चाहिए, तो मैं यहाँ 7 इंच पर मार्क कर रही हूँ, 1 इंच सीम अलाउंस में चला जाएगा। सो यहाँ से मार्क करने के बाद में हम इसे स्केल से लाइन कर लेंगे। लाइन करने के बाद में इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद में हमारे पास कुछ इस तरह का फैब्रिक बचेगा, बाकी सारा फैब्रिक साइड कर देंगे। अब ये है हमारे फैब्रिक का रॉन्ग साइड और ये है राइट साइड। इसे रॉन्ग साइड में इस तरह से ओपन कर लेंगे और जो इसकी साइड्स है इसे हैम कर देंगे इस तरह से, एक सिंगल हैम, उसके बाद एक हैम और, ये दोनों साइड से हमें इसे हैम करना रहेगा। आप देख सकते हैं हमने इसे हैम कर दिया है दोनों साइड से।
अब हम हमारे कुशन कवर को कुछ इस तरह से रखेंगे और ये जो हमने फैब्रिक कट किया है और हेम किया है इसे इस तरह से इस पर रैप करेंगे और इसका जो पीछे वाला हिस्सा है फैब्रिक का जो हमने अभी हेम नहीं किया था वो इसे अंदर की साइड में हेम करके इसे स्टिच करेंगे हम लोग। अभी एक ही साइड में हमें इसे स्टिच करना है, दूसरी साइड में स्टिच नहीं करना है। अब मैंने इस कुशन कवर के लिए क्यूट सी कॉफी कलर की बो बना के रखी है। अगर आप डिटेल में बो बनाना सीखना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। अब हम इस बो को अपने कुशन कवर के इस कॉर्नर पर अटैच करने वाले हैं। मैं इसे थ्रेड एंड निडल के थ्रू अटैच कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बो अटैच करने के बाद में जो हमारे ऊपर वाले फैब्रिक का दूसरा वाला साइड था जो कि अंदर से हैम करना रह गया था उसे हैम कर देंगे और हमारा कुशन कवर रेडी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।